सीमा सुरक्षा बल द्वारा आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम का आयोजन रिसाली में किया गया। यहां से दूसरे जत्थे को चंडीगढ़ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहां अन्य राज्यों से भी जत्थे आएंगे और आपस में एक दूसरे से मिलकर अपने समन्वय बनाते हुए एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होंगे। 14वें आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत 20 जनवरी 2023 को जिला कांकेर के अति दुर्गम एवं पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए युवक एवं युवतियों के दूसरे जत्थे को सीमा सुरक्षा बल सामरिक मुख्यालय छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक श्री इंद्रराज सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में 10 लड़कियाँ 10 लड़के सहित सीमा सुरक्षा बल के एक पुरुष सुरक्षा अधिकारी एवं एक महिला सुरक्षा अधिकारी शामिल है, जहां यह टीम चंडीगढ़ के विभिन्न राज्यों के अन्य आदिवासी युवाओं से मिलकर अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू होंगे, उनके उज्ज्वल भविष्य तथा अधिकार के बारे में उचित व उपयुक्त जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ अन्य राज्यों से भाग लेने वाले युवक युवतियों के बीच मेल मिलाप बढ़ेगा, जिससे वे एक दूसरे की खान पान, रहन सहन, संस्कृति, गतिविधियाँ एवं वेशभूषा से रूबरू हो पाएंगे। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों से स्थानीय लोक कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। साथ ही चंडीगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन नई दिल्ली, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 14वां आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांकेर जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के इलाके से इस वर्ष कुल 14 भ्रमण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 290 युवक एवं युवतियों को भारत भ्रमण कराया जाएगा। बहादुर जवानों, मीडिया कर्मियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ 14वें ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चंडीगढ़ यात्रा पर जाने वाले प्यारे बच्चों के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार के तहत सन 2006 से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। 2022 में लगभग 135 बच्चों को हमने देश के अलग राज्यों की राजधानी तथा प्रसिद्ध शहरों का भ्रमण कराया था। मुझे उम्मीद है कि इस भ्रमण के बाद आप सभी दूसरे बच्चों के साथ तथा आपके आसपास रहने वाले लोगों के साथ अपना ये अनुभव शेयर करेंगे, जिससे कि दूसरे माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे भ्रमण के कार्यक्रमों में भेजने के लिए उत्साहित होंगे। आपका जाने का रिजर्वेशन, रहने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब हम BSF ने कर दिया है और इसमें आपकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद ही आप में से कोई बच्चा पहले नॉर्थ भारत की तरफ, उत्तर भारत की तरफ भ्रमण किया हो, लेकिन यह उत्तर भारत का भ्रमण आपके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और अंत में मैं आप सभी को, युवा युवतियों को, सफल भ्रमण एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में द्वितीय जत्थे को चंडीगढ़ रवाना करते हुए सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय विशेष संकिया छत्तीसगढ़ रिसाली भिलाई के महानिदेशक श्री इंद्रजीत सिंह एवं उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस विभाग श्री दिनेश मुर्मू ने आदिवासी युवक युवतियों से संवाद किया एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।